गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। उत्तराखंड में आज टिहरी ज़िले में ये दूसरा दिन है और अपने इस द्वितीय दिन में आज हम निकले हैं भारत के ही नहीं विश्व के सबसे बड़े सस्पेंशन ब्रिज को देखने, जिसका नाम है डोबरा चाठी। डोबरा चाठी ब्रिज जो है वो जहाँ मैं हूँ अभी, यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है। अभी मैं एक रेस्टोरेंट में हूँ जिसका नाम है मेरा गांव रेस्टोरेंट, और यहाँ हम कुछ आलू के पराठे का मज़ा लेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मेरा गांव नामक एक रेस्टोरेंट पे बैठे हैं जहाँ पे हम पराठे और मैगी जो है खाएंगे, और इसके साथ साथ ही जो है चाय की चुस्कियाँ भी। हम फाइनली उस स्थान पर आ चुके हैं जहाँ से डोबरा चाटी ब्रिज भी आपको दिखेगा। हालांकि ब्रिज पे भी मैं आपको ले जाऊंगा और उसके दर्शन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनहरा सा व्यू है आपके लिए, देखिए जरा इसे। ये टिहरी लेक है, टिहरी लेक का एक मुहाना ये है। सामने जो आपके दृश्य दिखाई दे रहा है ये रिजॉर्ट है जहाँ आप शादी विवाह के डेस्टिनेशन कर सकते हैं। इस रिजॉर्ट के बारे में बताऊं तो अगर आपने वॉर मूवी देखी हो तो वॉर मूवी में जब ऋतिक रोशन की एंट्री होती है हेलीकॉप्टर से, तो हेलीकॉप्टर इसके ऊपर से ही होता हुआ निकलता है। उस फिल्म में भी इस चीज़ को दर्शाया गया है। और फिर इसके बाद आपके सामने है भारत का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है डोबरा चाठी सस्पेंशन ब्रिज। बेहद खूबसूरत है, जब रात का समय होता है और इसकी सारी लाइटें जल जाती हैं तब ये दृश्य देखते ही बनता है। तो देखिए बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा लंबा भी है। अभी हम इस ब्रिज पे भी जाएंगे, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया है कि इस ब्रिज पे आप गाड़ी नहीं रोक सकते, आप पैदल थोड़ा बहुत चल सकते हैं, तो इसलिए इसे दूर से फिल्मा रहा हूँ ताकि आप इसकी खूबसूरती को समझ सकें। भारत का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज 725 मीटर लगभग 1.25 किलोमीटर के आसपास की जो है इसकी लंबाई है, और इससे सटी हुई है टिहरी लेक। टिहरी लेक का एक ये सिरा है, बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत स्थान है। और जैसा मैंने आपको बताया भी था कि इस समय झील में जो है पानी का स्तर कम हो गया है, इसकी वजह से जो पहाड़ थे, जो चोटियाँ थीं, जो डूब गई थीं, वो उभर कर बाहर आ गई हैं। तो देखिए कितना ही मनमोहक दृश्य है, खूबसूरत दृश्य है। और इसके साथ ही लगता है एक हेलीपैड भी है यहाँ पे, देखिए अपने मिन लिखा हुआ है। इसी हेलीपैड से जो है हेलीकॉप्टर उड़ करके आया था, और ये तब हुआ था जब वॉर की शूटिंग हो रही थी और हेलीकॉप्टर यहीं से रिटर्न होता है। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दृश्य है। एक बार और देखिए जल का स्तर कितना ज़्यादा कम हो गया है कि चट्टानें जो हैं वो बाहर पूरे तरीके से दिखाई दे रही हैं। तो देखा आपने दोस्तों की कितना खूबसूरत और मनमोहक दृश्य है, रूह को भी खुश करने वाला यह दृश्य। जब आँखों से आप देखते हैं तो सुखी की वो अनुभूति होती है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि ये कितना खूबसूरत है तो मैं यही कहूँगा, इस पर मैं पूर्णतः अनुत्तरित हूँ, और बस इसे अपनी आँखों में अपने जहन में बसा कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखिए और इसका लुत्फ़ उठाइए, शुक्रिया। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका पूरा डोबरा चाटी ब्रिज, और इसका दर्शन करिए। Thank you.
है, लेकिन जब हम बीच के हिस्से में पहुंचते हैं तो वहां पे झील की चौड़ाई लगभग 4 किलोमीटर से ज्यादा है। तो इसके वजह से यहाँ पर जो है ये ब्रिज ला करके बनाया गया है। और अब हम जो है जा रहे हैं उस मंदिर की तरफ जिसका क्या नाम है, जय श्रेम नागराज टेम्पल। तो श्रेम नागराज टेम्पल की तरफ हम जा रहे हैं और जब हम वहां पहुंचेंगे तो वहां को आपको जो है प्रभु श्री कृष्ण और उनके अवतारों के दर्शन कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।